क्या कहकर पति रोहन प्रीत के साथ हनीमून सेलिब्रेट करके वापस अपने देश तो आ चुकी हैं और जल्दी वो काम पर लौटने वाली हैं। हालांकि वो दुबई में भी अपने और रोहन के गाने का खूब प्रमोशन करती दिखी। नेहा शादी के बाद हनीमून की वीडियो और फोटो से भी फैंस के बीच छाई रही। हर किसी ने नेहा रोहन की खूब तारीफ की। रोहन नेहा ने खूब दुबई का नजारा दिखाया, लेकिन वापस आते ही नेहा मुसीबत में फंस गई। यूं कहें कि उनकी खुशियों को नजर लग गई, जब उनका नाम रग केस में फंसी भारती के साथ जोड़ा गया। जी हाँ, कॉमेडियन भारती सिंह के घर जब रग पकड़ा गया था तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उसी वक्त उनकी वो वीडियो भी सामने आई जब भारती ने नेहा कक्कर का नाम लिया। भारती के साथ नेहा का नाम शामिल होते ही फैंस घबरा गए और उल्टा भारती को ही खरी खोटी सुनाने लगे। दरअसल भारती ने नेहा की कम हाइट को लेकर बेइज्जती की उस वक्त जब लोग भारती को रग केस में शामिल होने पर बुरा भला कह रहे हैं। ऊपर से भारती की खुद ही कम हाइट है, ऐसे में भारती के मुंह से नेहा जैसी सिंगर का नाम लेना शोभा नहीं दे रहा है। नेहा के फैंस भारती के मुंह से नेहा की बेइज्जती सुन नहीं पाए। हम आपको बताएंगे कि भारती ने नेहा की कम हाइट को लेकर क्या कहा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लोग भारती के गंदे रवैये से बहुत ज्यादा नाराज हैं। जिन भारती की कॉमेडी से लोग हंसी से लोटपोट हो जाते थे, अब लोग भारती का चेहरा देखना भी पसंद नहीं कर रहे। ऐसे में उन्होंने नेहा कक्कर का नाम लेकर तो अपनी इज्जत और ज्यादा गिरा ली है। लोग कह रहे हैं कि भारती जैसी तुम कभी बन ही नहीं सकती और नेहा तो तुम्हारी जैसी है ही नहीं। ड्रग केस में पकड़ी गई भारती सिंह ने जो किया उस पर भले ही उन्हें शर्म नहीं आ रही हो, लेकिन लोगों को उनके नाम से भी नफरत हो गई है। अब भारती भले ही अपनी कॉमेडी और जोक से लोगों को कितना भी हंसाने की कोशिश कर लें, लेकिन लोगों की नजरों से वो उतर चुकी हैं। लोगों को भारती के उन जोक्स पर भी गुस्सा आ रहा है जो उन्होंने कई स्टार्स पर बोलकर उनका मजाक बनाया था। जी हाँ, भारती सिंह जोक्स की आड़ में कई स्टार्स की पर्सनालिटी की धज्जियां उड़ा चुकी हैं, जिसमें नेहा कक्कर का नाम भी शामिल है। भारती सिंह ने सिंगर नेहा कक्कर की हाइट को लेकर गलत बात बोली। भले ही भारती ने नेहा की हाइट को लेकर मजाक में जोक बोला था, लेकिन लोगों को भारती का ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया और नेहा कक्कर के फैंस ने भारती की लतार लगाना शुरू कर दी। जानिए तो सही, खुद की कम हाइट वाली भारती ने नेहा की हाइट को लेकर क्या कहा और उनकी तुलना केले से कर दी। दरअसल भारती के कॉमेडी शो का एक एपिसोड सामने आया है। ये एपिसोड बीते शनिवार का है जो लॉन्च होते ही चर्चा का विषय बन गया। एपिसोड देखते ही लोगों का गुस्सा भारती के खिलाफ और ज्यादा बढ़ गया। भारती पहले ही जेल से आकर एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रही हैं कि वो बार बार लोगों का गुस्सा बढ़ा रही हैं। जेल से निकलते ही पहले भारती ने हंसते हुए थम दिखाकर लोगों का गुस्सा बढ़ाया। उसके बाद दूसरे ही दिन उन्होंने पहली पोस्ट अपनी फ्रेंड की लगाई और उन्हें बर्थडे विश किया। और अब नेहा के खिलाफ ऐसी बात बोलने पर भारती खूब ट्रोल की जा रही है। इस एपिसोड में इंडियन आइडल 2020 के जज हिमेश रेशमिया, विशाल ददलानी और आदित्य नारायण बतौर गेस्ट आए थे। इस एपिसोड को टीवी पर शनिवार की रात ऑन एयर किया गया था। शो पर मेहमानों का स्वागत करते हुए भारती सिंह ने पूछा, नेहा कक्कर कहाँ है, वो क्यों नहीं आई। इस दौरान भारती सिंह केले के अंदर नेहा कक्कर को खोजने लगी और उनकी हाइट का मजाक बनाया। वहाँ मौजूद लोग हंसने भी लगे, लेकिन लोगों को गुस्सा भी बहुत आया। इसके बाद आदित्य नारायण ने भारती सिंह को नेहा कक्कर की शादी के बारे में बताया। भारती सिंह का ये मजाक नेहा कक्कर के फैंस को बहुत बुरा लगा। सोशल मीडिया पर नेहा कक्कर के फैंस भारती सिंह को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। भारती सिंह ने आदित्य नारायण की टांग खींचते हुए कहा कि वो उनके पति हर्ष की जॉब पर नजर रखे रहते हैं। भारती सिंह ने आदित्य नारायण की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पति को एक शो के लिए होस्टिंग की जॉब मिली थी, ये बात इस आदमी को पची नहीं, इसने उस जॉब को भी छीनने की बहुत कोशिश की। भारती सिंह की बातें सुनकर आदित्य और बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब भले ही ये एपिसोड का हिस्सा रहा हो, लेकिन भारती को बहुत अनाप शनाप बातें सुननी पड़ रही हैं।
ड्रग केस में फंसी भारती सिंह ने जेल से आते ही बेशर्मी की हदें ही पार कर दी। वो जो हरकतें कर रही हैं उन्हें देखकर यही कहा जा रहा है कि ड्रग का सेवन करके अपना फैशन दिखा रही हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि हम सेलिब्रिटीज के लिए ये सब आम बात है, इसलिए उन्होंने अपने किए की माफी तो नहीं मांगी, उल्टा उस मीडिया के सामने थम दिखा रही हैं, विक्ट्री साइन दिखा रही हैं और हंस कर बात कर रही हैं। अब आप ही बताइए, भारती सिंह की इन हरकतों को आप क्या कहेंगे? भारती हर्ष की इन बेहुदा हरकतों से लोग काफी नाराज हैं। उन्हें लेकर उल्टे सीधे कमेंट्स किए जा रहे हैं। किसी ने लिखा, इन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड मिला है जो हैंड वेब कर रही है। कई लोगों ने बेशरम और ड्रगिस्ट भी बोला। लोगों के कमेंट आना बंद भी नहीं हुए कि भारती ने फिर गंदी हरकत कर दी। जी हाँ, भारती फिर से नहीं मानी और उन्होंने कह दिया कि मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं। जिन लोगों की वजह से भारती आज इस मुकाम तक पहुंची, उन्हीं लोगों को भारती बार बार नाराज कर रही है। दरअसल भारती ने अब जेल से आते ही अपनी एक फ्रेंड को बर्थडे विश किया। जेल से बाहर आने के बाद भारती ने इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट किया। लोगों को उम्मीद थी कि भारती जेल से आते ही अपने किए की माफी मांगेगी, लेकिन भारती ने तो जेल से आते पहले पोस्ट से लोगों को हैरान कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद भारती ने इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए भारती ने अपनी फ्रेंड अमृता को बर्थडे विश किया। भारती ने अमृता की फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरी प्यारी अम्मू, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू। भारती का ये रवैया किसी को पसंद नहीं आ रहा। जहाँ लोग उनको लेकर चिंता कर रहे थे, तो वहीं वो खुशियां मनाने में लगी हुई हैं। वो भूल गई हैं कि उनके ऊपर अभी अभी इतनी बड़ी आफत आई हुई है, लोग उन्हें बुरी नजर से देख रहे हैं। इतना ही नहीं, भारती का नाम जब से राकेश में शामिल हुआ, तब से लोग उनके उस शो को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में भारती अपने करियर की चिंता करने के बजाय बर्थडे विश करने में लगी हैं। एक अधिकारी ने कहा कि भारती सिंह के घर में जो रग मिला था वो बहुत छोटी मात्रा थी। 1000 ग्राम रग तक को छोटी मात्रा माना जाता है और इसके लिए 6 महीने तक की जेल या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकती हैं। इससे ज्यादा रग मिलने पर 20 साल या फिर 10 साल की जेल हो सकती थी, लेकिन भारती की किस्मत अच्छी थी कि वो 2 दिन जेल में बिताकर घर वापस आ गई। लेकिन भारती को अपने इस किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। रग केस में पकड़ी गई भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया 2 दिन जेल में रहकर बाहर आ चुके हैं। भारती और हर्ष को लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वो इसलिए क्योंकि अभी तक जो भी स्टार एनसीबी की पकड़ में आए थे, उन्होंने महीने भर तक तो जेल की हवा जरूर खाई थी और फिर उन्होंने कोर्ट कचहरी के भी अच्छे खासे चक्कर लगाए। रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा, सारा तो सबसे बड़ा उदाहरण है। रिया चक्रवर्ती खुद करीब 1 महीना जेल में रहकर बाहर निकली थी।